मरीजों को अस्पताल पहुंचने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जिला सामान्य अस्पताल के पीछे के गेट का काम जल्द शुरू करने की मांग पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी ने की। जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों तथा नागरिकों को होने वाली समस्या के चलते अस्पताल के पीछे प्रवेश द्वार होना चाहिए, यह मांग अब जोर पकड़ रही है। इमरजेंसी मरीजों के लिए अस्पताल के पीछे साइड एक गेट होना चाहिए, ऐसी मांग पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी ने कई वर्ष पूर्व किए। अस्पताल के पीछे से पहले गेट था, लेकिन कुछ समय बाद उसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब मरीजों तथा नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेट बंद होने को करीब 15 से 20 साल होने की जानकारी पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी ने दी। आए दिन मार्ग पर बड़े पैमाने पर वाहनों का आवागमन रहता है तथा किसी मौके पर निकलने वाली रैलियों से भी यातायात बाधित होती है। ऐसे में इमरजेंसी पेशेंट को ले जाते समय एम्बुलेंस का हॉर्न या इमरजेंसी सायरन से कई बार स्थिति नियंत्रण में हो जाती है, लेकिन कई हालात ऐसे भी होते हैं जब पेशेंट को वक्त पर नहीं पहुंचा पाए तो पेशेंट की जान से खिलवाड़ हो सकता है। नागरिकों तथा मरीजों की इस समस्या को हल करने के लिए सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल के पिछले द्वार से मरीजों तथा एम्बुलेंस के लिए शुरू करे इस मांग का ज्ञापन पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी ने जिले के पालक मंत्री मुनगन टीवार, सांसद बालू धानोरकर तथा विधायक किशोर जोरगेवार को सौंपा। उनकी मांग पर पालक मंत्री मुनगन टीवार, सांसद धानोरकर तथा विधायक जोरगेवार ने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए। पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जनता की ओर से जिलाधिकारी से मांग की है कि इस विषय में जल्द से जल्द गेट का काम शुरू किया जाए, जिससे मरीजों को होने वाली परेशानी हल होगी। सरकारी दवाखाने के पीछे साइड में एक इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए गेट होना चाहिए, ये पिछले 2016-2017 से मैं मांग कर रहा हूँ, और ये मांग के ऊपर धीरे 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 जनता का प्रतिसाद भी भरपूर मिलते जा रहा है। और प्रशासन को बोलना है कि गेट कब बंद किया गया, गेट बंद करके इसको करीबन हो गया 15 से 20 साल के करीबन हो गया है कि गेट बंद करके। उस समय की सिचुएशन अलग थी और आज की सिचुएशन अलग है। तब ट्रैफिक समस्या बहुत कम थी, और दिनों दिन चंद्रपुर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, चंद्रपुर में फोर व्हीलर गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, चंद्रपुर में राजनीतिक की रैलियाँ बढ़ती जा रही है, धार्मिक प्रोसेशन बढ़ते जा रहा है, समाजों में कंपटीशन बहुत होते जा रहा है कि अपनी ताकत के प्रदर्शन करना। और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जब भी किसी प्रोसेशन जैसे गणेश विसर्जन होता है या मुहर्रम होता है, तो उस समय क्या होता है कि पूरा चंद्रपुर में एक इंच भी जगह नहीं छूटती। सुबह आपको सबको पता ही है कि सुबह जो 11, 12 बजे से जो गणेश विसर्जन का प्रोसेशन शुरू होता है, तो ले जाके रात को 1 से 2 बजे तक की करीबन चालू रहता है। तब सुबह 11-12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक की एक इंच भी जगह कहीं खाली नहीं मिलती। ऐसे टाइम में कभी पेशेंट को एम्बुलेंस बेचारे के पास तो हॉर्न रहता है, इमरजेंसी सायरन रहता है, तो उस वजह से फिर भी कभी कभी जगह थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाती है ट्रकों के बीच में से। लेकिन कहीं ऑटो पेशेंट में बैठा रहा तो ऑटो तो सामने जा ही नहीं सकता, और ऐसे टाइम में पेशेंट की जान भी खिलवाड़ हो जाती, जान जा सकती है और जाती भी है जान। तो यही मैं मांग की हुई पिछले काफ़ी समय से मेरी मांग है, और इसमें डीन साहब की टीम ने और सिविल सर्जन साहब की टीम ने हम जगह का मुआयना की, दो जगह वहाँ गेट के लिए दिख रही है, सिर्फ वहाँ जनरेटर सिर्फ शिफ्ट करना है, और वहाँ 20 फुट का करीबन रास्ता क्लियर मिल रहा है कि एम्बुलेंस इमरजेंसी में वहाँ से डाल सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो परसों मुझे जो पता लगा कि डीन साहब ने जिलाधिकारी को अहवाल भेजा है कि भाई यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये सिविल सर्जन के अंडर परमिशन के इसमें है। तो सिविल सर्जन साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमने ना हरकत करके लिख के दिया है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ मदद करने के लिए तैयार हैं। एंड सिविल सर्जन साहब की तरफ से भी इसके ओके हुआ है कि गेट रहना चाहिए करके। तो मेरी जनता की तरफ से, प्रशासन से, कलेक्टर साहब से मेरी मांग है कि इस विषय में दखल देकर जल्द से जल्द गेट के काम शुरू किया जाए, जिससे पेशेंटों को के परिवारों को होने वाली परेशानी से मुक्ति मिले। को जब मैंने उठाया पिछले 4-5 साल के बाद फिर से लगातार जो उठा रहा हूँ, तो इस बार जिले चंद्रपुर जिले के सम्माननीय पालक मंत्री सुधीरभा मुनगंटीवार साहब ने भी डीन को पत्र भेजा है कि गेट आवश्यक है और इसके ऊपर कार्रवाई करके मुझे अहवाल दिया जाए। इसके बाद में जिले चंद्रपुर आर्मी लोकसभा क्षेत्र के खासदार साहब बाड़ू भाव धानोरकर साहब ने भी पत्र दिया है डीन साहब को कि जल्द से जल्द गेट का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा चंद्रपुर विधानसभा के आमदार किशोरभा जोरगेवार साहब ने भी डीन साहब को पत्र दिया है कि गेट का काम जल्द जल्द शुरू होना चाहिए। तो सारे जनप्रतिनिधियों का इसमें पॉजिटिव सकारात्मक है, और प्रतिभाताई धानोरकर मैडम ने भी टेलीफोनिक कलेक्टर साहब से भी बात की हुई है,
सुभाष बहु धोटे साहब ने भी टेलीफोनिक बात की हुई है कि गेट होना चाहिए। तो ये जन सामान्य का मुद्दा हो गया, जन जागृति धीरे धीरे हो रही है, लोगों का काफ़ी लोगों का आ रहा है कि भाई हम लोग इस पर उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसमें आंदोलन उपोषण करने की यानी आना ही नहीं चाहिए, सिचुएशन ही नहीं बननी चाहिए कि प्रशासन ने इसकी दखल लेते हुए तुरंत गेट का काम शुरू करना चाहिए।